Hey guys, welcome to another great day. Today we are going to be making a hypnobot. So let's get to it. नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेम्पलेट को डाउनलोड करें। एक मार्कर की मदद से अल्यूमिनियम वायर पे निशान बना लें जहां से उसे मोड़ना है। प्लायर का उपयोग करें ताकि आसानी से वायर को दिए हुए शेप के अनुसार मोड़ सकें। पुराने स्टेप्स को रिपीट करें। हमें दो वायरफ्रेम मॉडल की जरूरत पड़ेगी। बाकी टेम्पलेट में दिए हुए वायरफ्रेम को भी बना लें। फाइव स्क्वायर पीसेस कार्डबोर्ड के काट लें, मोटर की चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए। हेक्सापॉड के बेस की डिजाइन को कार्डबोर्ड शीट पर वायर फ्रेम्स के साइज को ध्यान में रखते हुए बना लें। स्केल और रूलर का इस्तेमाल करें अच्छे मेजरमेंट्स और ड्राइंग के लिए। कटिंग मैट का यूज करें प्रिसिशन और सेफ्टी के लिए। बेस के बीच में एक छोटा सर्कल काट लें और दोनों उल्टी तरफ पे होल्स कर दें। एक ईयरबड को लें और 1 सेंटीमीटर के 2 हिस्सों में काट दें।
दो और ईयरबड्स लें और 2 सेंटीमीटर के 2 पार्ट काट लें। पुराने कटे हुए स्क्वायर पीसेस को एक कॉलम के आकार में रखकर चिपका दें। अब कॉलम को गियर्ड मोटर पे चिपका दें। एक एल्यूमिनियम वायर को ले और शाफ्ट पे लपट दें। गियर्ड मोटर को हेक्सापॉड के बेस से चिपका दें। 2 1 सेंटीमीटर लंबी ईयरबड की कटिंग को हेक्सापॉड के ऑपोजिट एंड्स पे टेप कर दें। दो एल्यूमिनियम वायर्स को लें और ऊपर दिए हुए फिगर के अनुसार मोड़ लें। पेंडिकुलर वायर को बेस के फ्रंट होल से निकालें और फिर टेप कर दें। अब दूसरे वायर फ्रेम को बेस के पीछे वाले होल से पास कर दें और टेप लगा दें। पहले काटे हुए दोनों वायर मॉडल को लें, उनके बीच में 1 1 2 सेंटीमीटर लंबी ईयरबड की कटिंग को चिपका दें। दो प्लायर्स का यूज करके वायर फ्रेम के एंड को परपेंडिकुलर कर दें एक दूसरे के। इन वायर्स को अपने हेक्सापॉड के लेग्स के मेन वायर फ्रेम से जोड़ दें। एक पुराने कटे हुए वायर फ्रेम को लें और बेस पे चिपकाए हुए ईयरबड की कटिंग से निकाल दें और मोड़ दें। पुराने स्टेप को फिर से रिपीट करें सेकेंड वायर फ्रेम के लिए भी। एक छोटे सर्कुलर कार्डबोर्ड पीस को लें और सेंट्रल वायर से निकाल दें। परपेंडिकुलर एंड वाले वायर फ्रेम को बेस के सेंट्रल वायर से निकाल दें और बाजू के पैरेलल लेग से जोड़ दें। प्लायर का यूज करें हुक्स को टाइट करने में, बट बी वेरी केयरफुल। लेग वायर फ्रेम को बेस के सेंट्रल वायर और पीछे वाले वायर से निकाल दें। दूसरे लेग वायर फ्रेम को बेस के सेंट्रल वायर और आगे वाले वायर से निकाल दें। सेंट्रल वायर के एक्सेस पार्ट को काट दें और एक सर्कुलर रिंग में मोड़ दें। स्विच और बैटरी कनेक्टर को गियर्ड मोटर से जोड़ दें। एक खाली मैच बॉक्स को गियर्ड मोटर के बाजू में चिपका दें बैटरी रखने के लिए। स्विच को मैच बॉक्स के ऊपर चिपका दें और बैटरी को कनेक्टर से कनेक्ट कर दें। बचे हुए वायर को मोटर से चिपका दें।
technically your Hexapod is ready to take a walk. Hexapod की body की design को नीचे दिए हुए description से download कर लें। एक cardboard sheet को लें और उसमें एक circle बनाएं ruler की मदद से, design को ध्यान में रखते हुए। डिजाइन को काट लें और कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका दें। अब कार्डबोर्ड को गियर्ड मोटर शाफ्ट के ऊपर चिपका दें। अब रॉक एंड रोल के लिए आपका हेक्सापॉड तैयार है। The six-legged hexapod is a simple, robust system of walking that is very popular both in the animal kingdom and among robotic hobbyists. Robot hexapods are simple one-motor toys. A method of walking forward with legs is called a gait, and animals or robots with many degrees of freedom have a variety of gaits available. Humans can walk, run, hop, or skip. Horses can walk, trot, canter or gallop, and so on. Your hexapod is so simple that it has just one possible gait, and that is for the forward motion called the tripod gait. In a tripod gait, your hexapod has 3 feet in contact with the ground at all times, the front and the back legs on one side and the middle on the other side. The electric motor revolves around a lever which in turn lifts up the middle legs. The middle legs are connected to the front and back legs again by the lever system, which helps in syncing the same motion. It achieves forward motion by pushing those feet backwards against the ground while the other feet move forward through the air. Then the hexapod shifts its weight to the other 3 feet and moves forward in the same way. By continuously shifting its weight using the middle legs, then moving the raised feet forward, it walks forward. It's time for some fun facts! If you've observed carefully, most six-legged robots mimic spiders. Wow! Hexapoda or Insecta is a class of phylum Uniramia comprising about 1 million known species of arthropods, and there are many more that are thought to exist. One of the first recorded designs of a humanoid robot was made by Leonardo da Vinci, who lived from 1452 to 1519 in around 1495. Da Vinci's notebook, which was rediscovered in 1950s, had detailed drawings of a knight in shining armor which could sit up, wave its arms and move its head and jaw. The first use of robots was in factories as industrial robots, simple, flexible machines which were capable of manufacturing tasks. I hope aapko ye video pasand aaya. Agar pasand aaya to please subscribe karein, comment and like, because it means a lot. Till next time, happy building!